आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में अमान नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अमान किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अमान के माने क्या हैं? अमान नाम का मतलब क्या है? अमान में कितने हरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अमान इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अमान हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अमान उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अमान उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अमान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अमान के माने और अमान नाम का मतलब है हिफाजत, पनाह, बचाव, शरण, आराम और सुकून। अमान में चार हरूफ हैं, अलिफ, मीम, फिर दोबारा अलिफ, नून। ये इंग्लिश में अमान लिखा हुआ है, ये हिंदी में अमान लिखा हुआ है। अमान उर्दू में लिखने का आजकल दो तरीके हैं, एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ उन हरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अमान लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में नून को टच करेंगे, तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अमान लिखा हुआ आ जाएगा। अमान लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन चार बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर एक, उर्दू हरूफ का नाम। नंबर दो, उर्दू हरूफ लिखने का तरीका। नंबर तीन, उर्दू हरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर चार, उर्दू हरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। अमान लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर एक, अलिफ। नंबर दो, मीम। नंबर तीन, दोबारा अलिफ। नंबर चार, नून। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं, और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं, मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ क्या बताया? लाइन के ऊपर लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं। उर्दू के हरूफ दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, कभी कहीं फुल लेटर इस्तेमाल होगा और कभी कहीं शॉर्ट लेटर इस्तेमाल होता है। जैसे अलिफ यहाँ पर फुल इस्तेमाल होगा और मीम यहाँ पर शॉर्ट लिखेंगे, और अलिफ ये ऐसे ही फुल लिखा जाएगा और ये नून यहाँ पर फुल लिखा जाएगा। तो एक मर्तबा इनको मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, अलिफ, और ये क्या लिखा, मीम, फिर इसी में जोड़ दिया अलिफ, और फिर ये आखिर में जोड़ दिया नून। तो ये क्या हो गया, अमान। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें,
साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।